What's up everyone, good morning and welcome back to another vlog. I hope you guys are doing good. तो आज हम जा रहे हैं फिर से एक नई वाटरफॉल देखने के लिए, तो आप लोग को दिखाऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं फिर से वही पुरानी दोस्त यारी, और ये वाटरफॉल का नाम है लांगबुकू वाटरफॉल, जो की दिलाई कार्बेंग पे है। तो इस वाली ब्लॉग पे मैं आप लोग को इतना ज्यादा रास्ता दिखाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वाली जो तोकालांगसो वाला ब्लॉग था उसमें मैंने बहुत ज्यादा रास्ता दिखा दिया था और बहुत लोगों को शायद बोर भी लग गया होगा, तो इस बार मैं इतना ज्यादा रास्ता दिखाने वाला हूँ। इस बार आप लोगों को सीधा जो यहाँ पे लाइक लेफ्ट राइट लेना है वहीं पे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी हम रुके हुए हैं सुकांजा नेपाली बस्ती पे और यहाँ से डायरेक्ट सीधे डिलाई पहुँच के आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। अभी हम पहुंच गए डिलाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिलाई मार्केट है, और अगर आप लोग सुकांजन या बोकाजन से आते तो अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर पड़ेगा लांगबुक जाने के लिए। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये डिफो मांजा की रोड है, तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आप लोग को ये जो रास्ता है इस रास्ते से होकर आप जाना, ठीक है। अगर आप लोग बोकाजन से आ रहे हो तो यहाँ से आप लोग डिलाई से आप लोग को राइट लेना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पहुंचने के बाद, जैसे कि आप देख पा रहे वाली ब्रिज, इस वाली ब्रिज पे पहुंचने के बाद पीछे में आपको दो रास्ते मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाली रास्ता नई बनी है, इस रास्ते से होके भी जा सकते हो आप, बट इस वाली रास्ते से आप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा बड़ा चौड़ा है रास्ता, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन से रास्ते जा रहे हो। अगर आप लोग नॉर्मल से जो स्कूटी है पुरानी जो लेके आ रहे हो तो प्लीज आप लोग मत ही लेके आइए, थोड़ा बहुत पावरफुल बाइक लेके आइए, ठीक है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो देख लीजिएगा आप कौन सा रास्ता आपको बेहतर लगता है, इस रास्ते होके आपको जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ब्रिज से थोड़े आगे आने के बाद, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से दो रास्ते मिलेंगे आपको, जो साइन बोर्ड लिखा हुआ है उस रास्ते होकर आपको जाना है, ठीक है। जो मांजा की रास्ता बता रहे हैं आप लोग को, इस रास्ते से होकर आपको जाना है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पाए रास्ता ये कुछ इस तरह का है, तो प्लीज़ आप लोग नॉर्मल जो स्कूटी या पुरानी स्कूटी जो है यहाँ मत लेके आए, ठीक है। अगर आप लोग के पास अच्छा अच्छा बाइक है तो वो लेके आएगा, ताकि आपको चढ़ाई चढ़ाने पे तकलीफ ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का है, पिछली वाले जो दिखे थे नीचे में वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो चलिए हम सीधे आप लोग को मिलते हो यहाँ पे, अभी व्लॉग कर नहीं पाऊँ क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो जैसे कि आप देख पाए रास्ता बहुत ही गंदी वाला रास्ता है, ठीक है। तो आपको सीधे आते रहना है, आते रहते आपको इस तरह का लाइक एक देखने को मिलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है लांगबुकू, तो यहाँ पे एंट्री गेट है, हालांकि पहले बहुत अंदर था, अभी यहाँ कर दिया क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट है। अभी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में अभी हर कोई करने को कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, तो पता नहीं दोस्त लोग कहाँ गया, कौन सी वाटरफॉल चला गया, हम लोग को अभी वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, सो देखते सो हम लोग पहुंचने ही वाले लांगबुकू वाटरफॉल। हालांकि अभी जैसे कि आप देख पा रहे पीछे इस तरह का नहीं था पहले, अभी पूरा टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे रास्ता बना रहा है। सो बंडी, आर यू एक्साइटेड? आई एम सो एक्साइटेड टू सी अ ब्यूटीफुल लांगबुकू। तो पर ये तो बहुत ज़्यादा लाइक एडवेंचर टाइप का था, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा लाइक खराब। अगर आप लोग का पुराना गाड़ी है तो प्लीज़ लेके मत आइएगा। और अभी थोड़ी देर के वॉक ही है, दो मिनट का वॉक है। हम लोगों ने स्कूटी आगे रख दी ताकि यहाँ तकलीफ ना हो, क्योंकि इस तरह का जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह का रास्ता है। तो ऑलमोस्ट तोकालांगसो का जैसा रास्ता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं
इसी तरह का रास्ता तोकलांग से भी था, बट यहाँ का और वहाँ का थोड़ा बहुत अंतर है, तो वो दिखाऊंगा। गाइस फाइनली वी रीच लंगबुक वाटरफॉल, जैसे कि आप देख पा रहे पीछे, हालांकि आप लोग क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे आके ब्लॉक कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके ब्लॉक नहीं कर रहा क्योंकि पानी का साउंड बहुत ही ज्यादा है, और ट्राई करूँ थोड़ा सिनेमेटिक शॉट लेने के लिए वहाँ पे जाके। तो अगर आप लोग बच्चे को लेके आ रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल रहिए, अगर आप लोग बच्चे को ना ही लाए तो अच्छी बात है। नीचे में आप देख स्टीम देख चुके हैं, वहीं पे आप लोग एंजॉय कीजिएगा, आगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप की है, ठीक है सीन। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पत्थर पत्थर से चढ़ा चढ़ के आपको ऊपर तक जाना है, ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लंगबुक के सबसे ऊंचाई पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी ज्यादा सिक्स पैक वाले लड़के लोग हैं, और ये यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बी केयरफुल रहना, देख सकते ये नीचे का पहाड़ है और ये सबसे ऊपर का झरना आप देख सकते हैं वाटरफॉल, सो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा, और यहाँ से आपको रास्ता सारे के सारे दिखाई देता है।
सो गाइस आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा ब्रिज है ये, और नीचे आप देख सकते हैं स्टीम है। अगर आप लोग बच्चे के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आप लोग आके एंजॉय कर सकते हो। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये अभी का टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस पिकनिक स्पॉट बन चुका है हमारे कार्बी आंगलोंग पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा लोग, इस फोन पे कैप्चर नहीं हो रहा है, हालांकि बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ पे देख सकते हो आप, ये तो जस्ट स्टार्टिंग वाला है, आगे ऊपर पे जाएंगे तो आप लोग बहुत सारे लोग वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा फोटो सेशन चल रहा है, फोटो सेशन कंप्लीट करते और कुछ खाते, उसके बाद हम लोग घर की तरफ वापस निकलते। तो अभी लांगबुकू को बाय बोलने का टाइम आ गया, उससे पहले आप लोग को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कौन हमारे साथ आए। पहला राहुल थापा, उसके बाद नाम बताओ, नाम बताओ भाई। दीपम क्या आए, सिंगल है लोंडा, और ये कौन है? ये मिस्टर सुरेश राय आपका। हाँ एकदम सिंगल, एकदम खता सिंगल है। कौन है? बंटी। बंटी और कौन कौन कौन? आजा आजा इधर आजा। ये तो पता ही है राजगुरु। उसके बाद कौन है और? ये राजीव तामांग, एकदम तामांगनी लड़की ढूंढ रहा है, अगर कोई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये हमारा संजय भाई, यो यो मैन, और इसका नाम विनोद राय। ये तो पूरा, ये तो पूरा सिंगल है। और कौन है? और राजा, और पीछे आप देख सकते हैं ये हमारे विशाल थापा। ये तो पूरा बुकिंग हो चुका है, इसको ट्राई मत ही करना। सो गाइस इट्स अ फाइनल टाइम टू से गुड बाय टू लांगबुक वाटरफॉल। काफी ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। विशाल डिड यू एंजॉय? सो अभी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ इसलिए थक गया हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लांगबुक वाटरफॉल आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो मिलते किसी दूसरी वीडियो पे इसी तरह तक इंटरेस्टिंग लेके। टिल देन एज ऑलवेज जो भी करो दिल से करो। बाय।